हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड द ब्रज। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको कुछ सिविल के ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एक सिविल इंजीनियर को जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमनली साइट पे हर इंजीनियर को, हर एक सिविल इंजीनियर को, फोरमैन को, सुपरवाइज़र को ये पॉइंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कवर टू मेन रेइनफोर्समेंट, जो हमारा सरिया बीम का सरिया जो होता है, कॉलम का सरिया जो होता है, मेन रेइनफोर्समेंट जो होता है उससे हमारा क्लियर कवर कितना होना चाहिए। अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग कवर होता है। सबसे पहले फुटिंग्स की बात करता हूँ, तो फुटिंग्स में जो मेन रेइनफोर्समेंट से क्लियर कवर होता है वो होता है हमारा 50 mm। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, कॉमन पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट हैं। उसके बाद आते हैं राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन टॉप में होता है 50 mm। ठीक है, राफ्ट उधर ही फाउंडेशन में बॉटम में और साइड में होता है 75 mm। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेड स्लैब। ग्रेड स्लैब आपको पता है जो सॉइल के अबव जो स्लैब होता है, ग्रेड स्लैब बोलते हैं उसको, जिसमें फुटिंग्स नहीं होती, डायरेक्ट ग्रेड स्लैब होती है, उसका जो कवर होता है वो होता है 20 mm। ठीक है, कॉलम में जो मेन कॉलम का कवर भी कॉलम कॉमन है, कॉलम्स में होता है हमारा 40 mm। ठीक है, उसके बाद शियर वॉल्स की बात करें, क्लियर कवर वो है हमारा 25 mm। ठीक है, उसके बाद बीम्स में जो कवर देते हैं वो भी 25 mm, 25 mm का कवर ब्लॉक आता है, सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लैब की, बॉटम स्लैब होता है हमारा, उसमें देते हैं 15 mm। ठीक है, फ्लैट स्लैब में देते हैं हम 20 mm, स्टेयर केस में भी 15 mm, स्टेयर केस में 15 mm कवर देते हैं। इस चीज़ का मेन ध्यान रहे, कई जगह क्या करते हैं 25 का कवर ब्लॉक फंसा, स्टेयर केस में 15 mm कवर देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर। रिटेनिंग वॉल पता ही आप सबको, आउटर साइड की जो वॉल होती है जो रिटेन करती है सॉइल को, उसमें जो कवर होता है हमारा वो 20 और 25 mm, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जैसे ये रिटेनिंग वॉल होता है जो सॉइल को रिटेन करता है, ये अलग होते हैं, ये भी रिटेनिंग वॉल है बट ये वाटर रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी को रिटेन करते हैं। ठीक है, उसमें कवर होना चाहिए 20 to 30 mm। ठीक है, ये सारे कवर ब्लॉक हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट की ग्रेड की, कौन कौन सी ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आते हैं M5। M5 में जो रेशियो बनता है हमारा वो है हमारा 1:5:10। ये पता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, सबको पता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। उसके बाद बात करते हैं M7.5, इसका जो रेशियो है वो है 1:4:8। ठीक है, उसके बाद आता है M10, ये सब PCC में यूज़ होता है। M10 का रेशियो है हमारा 1:3:6, यानी कि अगर हम 1% सीमेंट लेंगे तो 3% सैंड और 6% एग्रीगेट, इस तरीके से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। M15 का है हमारा 1:2:4। ठीक है, M20 का है, ये M20 M5 ये हमारा मिक्स, ये M डिनोट करता है मिक्स, और ये है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज की। सपोज M20 है तो M तो है हमारा डिज़ाइन मिक्स, और 20 है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमें गेन करनी है 28 डेज में। ठीक है, अब ये M20 का बताते हैं, M20 का है 1:3:1। ठीक है, उसके बाद M25 का 1:1:2। ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़े कवर ब्लॉक चेक करने की तो मेरी वीडियो प्ले की, कवर ब्लॉक चेक किया। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो हमारी स्लैब होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 125 mm। ठीक है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि मिनिमम थिकनेस, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अभी इंटरव्यूअर पूछ ले स्टेयर केस में कितना कवर ब्लॉक प्रेफर करते हैं हम, तो इन पॉइंट्स को याद रखें। मेन बार इन स्लैब शैल नॉट बी लेस देन, जो स्लैब है उसमें कम से कम कितने mm का बार यूज़ करते हैं हम, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये हमारा 8 mm का। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और प्लेन बार जो होता है उसकी लिमिट है हमारी 10 mm। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बार नॉट लेस देन, जो डिस्ट्रीब्यूटर बार स्लैब में यूज़ करते हैं, जो भी सिविल इंजीनियर है उसे पता है डिस्ट्रीब्यूटर बार क्या होता है, नहीं भी पता तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर बार क्या होता है।
डिस्ट्रीब्यूटर बार नॉट लेस देन, इसका भी सेम फंडा है, 8 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस के 1/8 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम बार फॉर स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर कॉलम में मिनिमम मेन बार जो है कितने होने चाहिए, 4 नंबर, ठीक है, और फॉर सर्कुलर कॉलम में 6 नंबर। ये मैं आपको इधर बना के दिखा दूँ, सपोज ये हमारा कॉलम है स्क्वायर, एक सरिया यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, स्क्वायर में मिनिमम 4 सरिया होना चाहिए, ठीक है, और सर्कुलर की बात करें अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 सरिया होना चाहिए मेन, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम डाया ऑफ चेयर, जो हम लोग चेयर लगाते हैं बॉटम और टॉप जाल को बीच में चेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सेपरेट करने के लिए, उसका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए टॉप और बॉटम बार के लिए, तो उसमें जो चेयर यूज़ करते हैं हम उसका डाया कितना होना चाहिए मिनिमम, वो होना चाहिए हमारा 12 mm, ठीक है। इससे कम अगर आप 8 और 10 mm में यूज़ करोगे तो क्या होगा, जब आप स्लैब चेक करने जाओगे, स्लैब पर चढ़ोगे, लेबर चलती है स्लैब पर, तो वो बेंड हो जाएगा, इसलिए आप प्रेफर करते हैं मिनिमम डाया ऑफ चेयर 12 mm। मिनिमम डाया फॉर डोबल्स, जो हम लोग स्लैब में डोबल्स छोड़ते हैं कहीं भी, डोबल्स बताइए जब, तो उसका भी मिनिमम डाया हमने प्रेफर किया हुआ है, वो भी हमारा 12 mm कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग इज, अभी ये मेन पॉइंट है, इसकी भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, जो हम लोग चेयर यूज़ करते हैं बीच में स्लैब में, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी भी स्पेसिंग प्रेफर्ड की है, उसकी स्पेसिंग 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 1 मीटर पे एक चेयर आ गई, उसके बाद नेक्स्ट चेयर 1 मीटर पे आ गई, या फिर 1 नंबर पर स्क्वायर मीटर, या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको कि 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम लोग एक चेयर यूज़ करेंगे मिनिमम। अब आप अपनी स्लैब का एरिया देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ चेयर्स भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन टोलरेंस फॉर क्यूब, जो हमारा क्यूब होता है, हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसके लिए कुछ डायमेंशन टोलरेंस दी हुई है, कितना मतलब वो डायमेंशन में कम बढ़ती हो सकता है, यह है ±2 mm ओनली उसकी डायमेंशन। डायमेंशन वैसे आपको पता ही है, क्योंकि 150 mm, 150 mm, 150 mm, ठीक है, 150 बाई 150 बाई 150, उसमें 2 mm का हम लोग टॉलरेंस लेके चलते हैं। फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउड मैक्सिमम 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट अगर हमको कहीं कंक्रीट पोर करना है तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी हाइट से हम लोग उसे फॉल कर सकते हैं कंक्रीट को फ्री फॉल, तो इसकी भी एक लिमिट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इससे ज़्यादा अगर हम कंक्रीट को, इससे ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट को गिराएंगे तो वो सीग्रीगेट करेगा, ब्लीडिंग सब खराब हो जाएगा कंक्रीट, इसलिए इसकी लिमिट है 1.5 मीटर। लैप स्प्लाइसिस नॉट यूज फॉर बार लार्जर देन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलम में हम लोग लैप प्रोवाइड करते हैं, लैप तो उसको लैप स्प्लाइसिस कहते हैं, लैप जो हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, ये बोल रहा है कि यूज फॉर बार लार्जर देन, नॉट यूज, ये मेन चीज है। किस बार, अगर हमारा बार का डाया मान लो 25 है, तो कौन सा बार ऐसा है जिसके ऊपर हम लोग लैप नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो है 32 mm, 32 mm। अगर हमारा बार 32 mm से अबव है, ठीक है, हमारा बार 32 mm से डाया में बड़ा है, तो हम उसमें लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी लोग हम लोग क्या करते हैं, हमारा 25 का डाया है तो उसमें हल्का सा क्रैंक देके हम लोग लैप प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर हमारा डाया 32 और 32 से ज़्यादा है तो उसमें लैप नहीं देंगे, उसमें फिर चूड़ी का यूज़ करेंगे या बेल्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। वाटर एडजस्टन ऑफ ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन, हमारा ब्रेक का वाटर एडजस्टन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो वाटर यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन में, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन, मतलब शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होनी चाहिए उसकी पीएच वैल्यू, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक इज, ब्रेक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये सब पता ही है, 3.5 newton per mm square, ठीक है। इन स्टील रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। स्टील रेनफोर्समेंट, हम लोग जो बारबेंडर होता है, स्टील रेनफोर्समेंट पूरी बाइंडिंग जो करते हैं उसमें बाइंडिंग वायर का यूज़ होता है, ठीक है, बाइंडिंग वायर के थ्रू ही वो पूरी सरियाओं को बाइंड करते हैं। तो कितना वायर यूज़ होना चाहिए हमारा बाइंडिंग वायर, ये भी एज पर IS कोड है। तो हमारा इन स्टील रेनफोर्समेंट में जो बाइंडिंग वायर यूज़ है उसकी लिमिट है 8 kg per metric ton, अगर 1 metric ton सरिया बन रही हो तो उसमें 8 kg वायर यूज़ होना चाहिए। इन सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 3 samples should be taken for core cutting test for every,
ठीक है, कोर कटिंग टेस्ट के लिए सॉइल फिलिंग में हम लोग कोर कटिंग अगर टेस्ट हमें कर रहे हैं तो 3 सैंपल लेंगे, ठीक है। तो उसकी जो लिमिट है हमारी, कहाँ कहाँ पे सैंपल लेंगे, किस जगह पे, तो उसकी लिमिट हमारी दी है 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम लोग, मतलब एक सैंपल हमारा हो गया, उसके फिर 100 मीटर स्क्वायर एरिया के बाद हम लोग दूसरा सैंपल लेंगे, ठीक है। RCC मेंबर डिशटरिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरव्यू के लिहाज से भी, और वैसे भी ये आपको पता होना चाहिए। RCC मेंबर, ये हमारे सारे RCC मेंबर हैं, इनका डिशटरिंग टाइम कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, कुछ को रटा भी हुआ होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर कॉलम वॉल्स वर्टिकल फॉर्मवर्क, जो भी हमारे वर्टिकल फॉर्मवर्क हैं, वर्टिकल शटरिंग है, उसका डी शटरिंग करने का टाइम कितना होता है मिनिमम, ये सब मिनिमम है कि मिनिमम इतना टाइम हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका है 16 to 24 आवर्स, इतना टाइम कम से कम हमको चाहिए, उसके बाद हम लोग इसे डी शटर कर सकते हैं। सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू स्लैब, ठीक है, इसका है 3 डेज, स्लैब का 3 डेज, बट इसमें एक कंडीशन है, 3 डेज में आप लोग इसे डी शटर कर सकते हो, बट प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड आफ्टर, ठीक है। जो प्रॉप्स होते हैं स्लैब बॉटम में, जो हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, जैक जो यूज करते हैं, वो हमारा दोबारा फिक्स होना चाहिए आफ्टर रिमूवल। हमने शटरिंग रिमूव कर दी, बट हमारा प्रॉप उसी लोकेशन पे फिक्स होना चाहिए, ठीक है। सॉफिट टू बीम, इसमें भी सेम कंडीशन है, ठीक है, लेकिन इसका 7 डेज है, क्योंकि बीम की थिकनेस ज़्यादा होती है, बीम के साइज, क्योंकि मेन जो लोड होता है स्लैब का वो बीम पर ही होता है, इसलिए इसकी 7 डेज है डी शटरिंग करने का टाइम। बाकी प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड आफ्टर रिमूवल ये कॉमन है। बीम स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, अगर हमारी बीम 4.5 मीटर तक है, ठीक है, तो उसका भी टाइम है, उसका है हमारा 7 डेज, ठीक है। बीम स्पैनिंग ओवर 4.5, अगर हमारा बीम का जो स्पैन है वो 4.5 मीटर से बड़ा है, तो उसका टाइम है हमारा 14 डेज, ठीक है। अभी आते हैं आर्चेज, आपने देखा होगा पुलिया टाइप में जो होता है आर्चेज, जो ओवरब्रिज वगैरह में छोटे छोटे जो ओवरब्रिज होते हैं, सपोज अगर उसकी स्पैनिंग 6 मीटर तक है, ठीक है, गेट वगैरह में भी आर्चेज यूज़ करते हैं, आर्चेज अगर हमारी स्पैनिंग, उसकी जो स्पैनिंग है वो 6 मीटर तक है, तो उसका डी शटरिंग करने का टाइम है हमारा 14 डेज, ठीक है। अगर आर्चेज की स्पैनिंग अगर 6 मीटर से ज़्यादा है, तो उसका टाइम है हमारा 21 डेज, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, कंक्रीट नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्रीट और नंबर ऑफ क्यूब। अगर हमें कितना कंक्रीट में कितने क्यूब फिल करने हैं, उसके लिए ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर हमें 31 MQ पूर करना है, तो हमें कितने सैंपल ऑफ क्यूब भरने चाहिए। पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये सैंपल की बात हो रही है, नंबर ऑफ क्यूब मतलब सैंपल, ठीक है। एक सैंपल में 6 क्यूब होते हैं, 3 होते हैं 7 डेज टेस्ट करने के लिए, और 3 होते हैं 28 डेज के लिए। अगर हमको कंक्रीट चाहिए 1 से 5 MQ तक, तो हमें जो सैंपल यूज़ करने हैं 1 नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, यानी कि 6 क्यूब, आप समझ गए, ये नंबर ऑफ क्यूब मतलब नंबर ऑफ क्यूब सैंपल, ठीक है। 1 नंबर में 6 क्यूब होते हैं, 1 से 5 अगर MQ हम लोग पोर कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक सैंपल भरना है, यानी कि 6 क्यूब भरने हैं, ठीक है। अगर 6 से 15 MQ हम लोग पोर करते हैं, तो उसमें 2 नंबर ऑफ सैंपल हमको भरने हैं। 16 से 30 MQ अगर हमारी क्वांटिटी है, तो उसमें 3 नंबर, ठीक है। 31 से 50 है, बहुत इजी है, तो उसमें 4 नंबर, ये मेन है। अगर अब 50 MQ हमारी है, तो हम लोग यूज़ करेंगे 4 नंबर, ठीक है, प्लस 1 नंबर ऑफ एडिशन ऑफ ईच 50 MQ। बहुत सिंपल है, 50 MQ के लिए हम लोग 4 नंबर यूज़ करेंगे, और उसके बाद अगर 50-50 एडिशन ऐड होता है, तो हर 50 MQ के लिए एक सैंपल यूज़ करेंगे, यानी कि 4 सैंपल पहले और हर 50 MQ पर एक सैंपल ऐड करते जाएंगे। अगर इसके बाद और 50 आता है, तो फिर एक सैंपल ऐड कर देंगे, ठीक है, उस तरीके से। अब आते हैं हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स कैन सेफली बी यूज फॉर ए हाइट नॉट मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जो हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है, मैं आपको पिक्स दिखा दूंगा अभी, ये
कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स कैन बी सेफली यूज फॉर ए हाइट नॉट मोर देन, इसकी हाइट है 8 मीटर, 8 मीटर से ज़्यादा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल सेफ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट शैल नॉट यूज इन कॉलम, ये सबको पता ही है और पता भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का जो भी डीबी बॉक्स कुछ भी आता है हमारा कोई भी, तो वो कॉलम के अंदर नहीं आना चाहिए। अर्थवर्क एक्सकेवेशन फॉर बेसमेंट अबव 3 मीटर शुड बी स्टेप्ड फॉर्म, ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम अर्थवर्क एक्सकेवेशन कर रहे हैं बेसमेंट का किसी का और वो हमारा 3 मीटर हाइट से ज़्यादा है, तो उसका जो एक फॉर्म होता है वो स्टेप फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम लोग एक सीधे कट नहीं कर सकते उसे अगर 3 मीटर से ज़्यादा है, तो पहले 1 मीटर कट करेंगे, उसके बाद फिर एक स्टेप टाइप का सेकंड लेयर कट करेंगे, उसके बाद थर्ड लेयर, एक स्टेप फॉर्म में हम लोग कट करेंगे। फॉर कंक्रीट ग्रेड M20 एंड अबव एडमिक्सचर शैल बी यूज्ड एज पर मिक्स डिजाइन, ठीक है। अगर हमारी कंक्रीट ग्रेड M20 है और उससे अबव है, जैसे M25 है, M30 है, M40 है, तो उसमें हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करेंगे। अभी बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। एक बार डेंसिटी और देख लेते हैं, स्टील की डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट आपको पता ही है केजी पर MQ, यानी कि इतने वॉल्यूम में हमारा इतना केजी आना चाहिए। स्टील की डेंसिटी है हमारी 7850 केजी पर MQ, ठीक है। सीमेंट की डेंसिटी है 1440 केजी पर MQ, ठीक है। ब्रिक की डेंसिटी की बात करें तो ब्रिक की डेंसिटी 1682 से 1920 केजी पर MQ होनी चाहिए। सैंड की डेंसिटी भी हमारी वेरी करती है, 1100 से 1600 केजी पर MQ तक जाती है। सैंड किस लिए वेरी करती है, क्योंकि कभी सैंड गीली होती है, कभी ज़्यादा फाइन सैंड आ जाती है। सैंड की डेंसिटी डिपेंड करती है किस जोन की सैंड है उस पर। वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी फिक्स है 1000 केजी पर MQ, यानी कि 1 MQ में हमारा 1000 केजी ही पानी आएगा। आरसीसी की डेंसिटी है हमारी 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर और MQ, ठीक। पीसीसी की है हमारी 2400। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो और जल्दी आप लोगों के पास ज़्यादा डाटा कवर हो जाए। उसके बाद लकड़ी की वुड की है हमारी 1100, ठीक है, 1100 1100। उसके बाद क्रस्ट ब्रेक, जो टूटी हुई ईंट होती है, इनकी होती है 950 से 1250 केजी पर MQ, ठीक है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो भी सिविल के बंदे हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, सब तब तक पहुँचे और उनको एक कॉमन नॉलेज सिविल की पता होना चाहिए। थैंक यू।